प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूके व्लॉग्स और क्रिकेट स्ट्रीम में। चलिए क्रिकेट की लेटेस्ट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज़ अपने चैनल पर रात को 8:30 बजे क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ अपलोड करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि मैंने युवराज सिंह की वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कमेंट्री की है अपने 6 छक्कों पर, कमेंट्री की है उन्होंने हिंदी में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने कल रात को डाली थी वो। तो चलिए लेटेस्ट न्यूज़ शुरू करते हैं। मोहाली में दूसरा T20 खेला गया था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। विराट कोहली ने शानदार 52 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेली और टी ट्वेंटी क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उनके अब रन हो चुके हैं 2441, उनसे पीछे हैं रोहित शर्मा 2432। ये देखिए कितना हेल्दी कंपटीशन है और दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हैं, तो गर्व होता है ये देख के। कुंदन डी कॉक अपना पहला मैच खेल रहे थे, कैप्टेंसी का डेब्यू, और पहले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है। तो भले ही साउथ अफ्रीका हार गई हो पर ये कहना गलत नहीं होगा, कप्तानी के रूप में कुंदन डी कॉक ने T20 क्रिकेट में अच्छा इतिहास जमाया है और अच्छी शुरुआत की है। हरभजन ने कहा शिखर धवन भी इंडिया टीम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने विराट कोहली और रोहित शर्मा। बाद में जब मैच हो गया तो बात भी करने आते शिखर धवन हरभजन सिंह इरफान पठान और जतिन सप्रू से, तो हरभजन सिंह ने ये बात उनसे भी कही थी। विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं क्रिकेट में जिनकी 50+ एवरेज तीनों फॉर्मेट में है। तो मैं उनको उनकी एवरेज बता दूं आपको। T20 में उन्होंने मैच खेले हैं 71, जिसमें उनके रन है 2441 हो गए हैं अब, उसमें उनकी 90 बेस्ट है और एवरेज है 15.19। ओडीआई क्रिकेट तो आप जानते हैं बादशाह है, 60 का एवरेज है उनका और टेस्ट क्रिकेट में 53 का एवरेज है। और आप सेंचुरी बता दूं मैं आपको, इनकी T20 क्रिकेट में एक भी नहीं है लेकिन ओडीआई क्रिकेट में 43 और 25 टेस्ट क्रिकेट में। तो ये देख सकते हैं कितने कंसिस्टेंट रहते हैं विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट में। रिकी पॉन्टिंग हिस्ट्री में मात्र एक ऐसे बल्लेबाज है जो नंबर एक स्थान में रहे हैं तीनों फॉर्मेट में एक ही टाइम पे। विराट कोहली भी एक ODI और T20 में एक टाइम पे नंबर वन रहे थे लेकिन वो टेस्ट में उस समय स्टीव स्मिथ थे तो वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। विराट कोहली तोड़ सकते थे। अब मैम मेरा ये मानना है कि ये रिकॉर्ड तोड़ने का अच्छा चांस बाबर आजम के पास है क्योंकि उनका 54 का एवरेज T20 में है और 53 का एवरेज ODI क्रिकेट में है। अगर वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं तो वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और दूसरे बल्लेबाज बन सकते हैं इतिहास में। जॉर्ज मुंशी ने कल शानदार बल्लेबाजी की, 56 गेंदों में 127 रन मारकर 5 चौके और 14 छक्के। नैदरलैंड के खिलाफ यह मैच था स्कॉटलैंड का जिसमें स्कॉटलैंड ने 252 रन बनाए 20 ओवर में। उत्तराखंड के कैप्टन बनाए गए उन्मुक्त चंद, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने जाने वाली है, जो पहले 4 मैच होंगे उत्तराखंड के, उसकी कप्तानी करेंगे उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद मैं आपको बता दूँ 2012 में U19 इंडिया टीम के कैप्टन थे, लग रहा था उन्होंने फाइनल में बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी थी और इंडिया को वो U19 वर्ल्ड कप जिताया था। लग रहा था बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बहुत भारत के लिए बहुत जल्द खेलेंगे, लेकिन हमें कि भारत की टीम के लिए बहुत दूर हैं भारतीय टीम आने में से। ये बता दो जो उस समय बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन थे, तो आप देख सकते हैं कहाँ बाबर आजम आज हैं और कहाँ उन्मुक्त चंद। ब्रेकिंग न्यूज़ श्रीलंका से आ रही है कि अकेला धनंजय को बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से क्योंकि उनका जो बॉलिंग एक्शन था वो लीगल नहीं था, इलीगल था। उन पर केस भी चल रहा था न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद, अब उन्हें बैन कर दिया गया है। काइल एबॉट जैसे कि साउथ अफ्रीका को आप जान सकते हैं, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज, उन्होंने जिम लेकर एक गेंदबाज थे जिन्होंने एक पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 10 विकेट लिए थे एक इनिंग में 1956 में। उसी टेस्ट मैच में उन्होंने दूसरी इनिंग में 9 विकेट मतलब 19 टेस्ट विकेट लिए थे एक टेस्ट मैच में। तो काइल एबॉट उसके बाद दूसरे ऐसे बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट एक टेस्ट मैच में लिए हैं। पहली इनिंग में काइल एबॉट ने 18.4 ओवर डाले जिसमें 9 ओवर खाली डाले, मिडन 40 रन दिए और 9 विकेट लिए। और दूसरी इनिंग में उन्होंने 17.4 ओवर डाले जिसमें 3 मिडन 46 रन और 8 विकेट लिए। तो 17 विकेट उन्होंने एक मैच में लिए और ऐसे दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने सेकेंड हाइस्ट विकेट लिए एक ही मैच में, इनसे पहले जिम लेकर थे 19 विकेट। ये मैच यहाँ काउंटी क्रिकेट में खेला जा रहा है। तो दोस्तों आज की क्रिकेट लेटेस्ट में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और क्रिकेट से जुड़ी अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।